हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत सुबह जिम आ गया था, आई थिंक 7:30 के अराउंड ही, और आज लेग्स थी, तल्लू में छुट्टी पे था, तो इसलिए मैंने आज लेग्स ना करके बाइसेप ट्राइसेप कर लिए, ताकि कल तल्लू जब आएगा तो उसके साथ मैं लेग्स करूँगा, क्योंकि वो हमेशा भाने पेल देता है लेग्स के टाइम पर। तो बस अब जिम निपटा दिया है, तो बस फटाफट से निकलते हैं घर, क्योंकि आज तो वेदर भी बहुत अमेजिंग हो रहा है, कल रात भी बहुत बारिश हुई थी। चलो गाइस, फिर सी यू। आज हो रहा है गाइस शानदार वेदर, ओफो। सो मॉम गई भी है वृंदावन, तो घर पे अभी 2 मिनट अकेला हूँ, रात को डैड आ जाते हैं, तो चल रहा है बस ऐसी वेले। कल रात को मैं मूवी देख के आया था, लाइक केरला स्टोरीज, वेरी इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा, मतलब सोच के दिमाग ख़राब हो गया था, ऐसा भी कुछ हुआ है या होता है। आई मीन इट वॉज़ अ वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। सो आई थिंक देखना यार, वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली, मतलब एक बार मिस करने वाली मूवी तो नहीं है, ज़रूर देख के आना जिसने भी नहीं देखी है। सो बस अभी बस फटाफट से घर पहुँचते हैं, और अपना जो बेसिक रूटीन है, जिम के बाद फटाफट से एक प्रोटीन शेक पियेंगे, जाके अपने पैरेट को खाना खिलाएंगे और अपनी कैट्स को खाना देंगे, उसके बाद अपना वही काम पर बैठेंगे गाइस, जो कि है अपना रूटीन। मॉम आएंगी शायद अब परसों, तो बस आज और कल अपना फुल रूटीन में रहना है, क्योंकि यार पीछे से ना कहीं जाने आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज पैरेट को फीड देनी होती है, कैट्स को देखना होता है, तो प्रॉब्लम होती है ऐसे। लेट्स सी, चलो बस घर पहुंच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। घर पहुंच चुके हैं गाइस, और अंदर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं भाई साहब की, इन्हें बहुत तेज आना है बाहर। आ जा, आ जा मेरे भाई, आ जा, आ जा, आओ आओ आओ, गुड मॉर्निंग कर लो, चलो आ जाओ, 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 आओ 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 आओ, फिंगर बैठो, चलो आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, बैठो, अच्छा आ जा, ये लो, वेरी गुड। देख रहे हो गाइस, हमारा लौंडा ट्रेन हो चुका है फुल। चलो, इसे लगी होगी बहुत तेज भूख, चल मेरी जान, तुझे पहले खाना खिलाऊं फटाफट से। हमारा बच्चा देखो कितना ब्यूटीफुल हो गया, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं इसको, पहले फटाफट से नीचे लेके जाता हूँ, इसको बहुत तेज भूख लगी हुई है। अच्छा खासा उड़ भी रहा था, अभी हमने ना वीडियो चालू कर दी थी, संजय भाई ने वीडियो बनाई ही नहीं, इसने भाई साहब ने उड़ने का भी ट्राई किया था, इतना बढ़िया शॉट कैप्चर हुआ था ना, ये बिल्कुल इल्लू लाजमी है। अच्छा अब इसको मैं 2-3 इंजेक्शन तो दे चुका हूँ, बट ये खाना खाने में ड्रामे करने लगा है थोड़े से, बट थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेता है। और दूसरी चीज इसको जो मैं खिलाता हूँ अभी, वो ये कौन सी दाल होती है सोनू, ये चने की दाल, तो चने की दाल हम थोड़ी सी बॉईल करके वो भी इसको रख देते हैं, ये भी खा लेता है। बाकी अभी भी ये हैंड फीड भी है, इसको फीड भी जरूर देता हूँ, ये आता है इनका हैंड फीडिंग फॉर्मूला, ये चल रहा है भाई साहब का। लो लो लो, आओ आ जाओ, आ जाओ, लो लो, ये हो गया इसका। अच्छा चल, सबको बैठ के दिखा दे, सबको बैठ के दिखाओ, चलो फिंगर में फटाफट से। तो अब ये जैसे ना उड़ने की भी अब कोशिश करता रहता है, अटेम्प्ट करता है मतलब ऐसे उड़ने के लिए, बट अब ये फुली टेम भी हो चुका है, तो कहीं नहीं जाने वाला भाई साहब, ये पूरा टाइम खुले ही रहता है, बस रात को मैं इसको स्टोर रूम में बंद कर देता हूँ, ताकि ये इधर उधर पूरी रात भटकता ना रहे, सो जाए, है ना, है ना। चने की दाल खा लो, लोग नहीं, चलो बैठो 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 ना, उतरो, चलो उतरो, ये रहे, ये खाली हो थोड़ी देर में। तो ये है हमारे संजय भाई, जिन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग तो कर दी थी, बट पूरी वीडियो ऐसी ही हो गई। ओहो, चलो खा लो इसे, अब इसे खा लो सर, भाई साहब फिर से फेंकना है, आ जा चल। अच्छा अब इसे ये होता है कि बस मुझे अपने साथ घुमाते रहो बस, अभी भाई साहब ऐसे ही बैठ के घूमते रहते हैं, ये संजय भाई के कंधे भी बैठ जाते हैं फुल। अब क्या कह रहे हो, मेरी शर्ट खराब ना हो जाए, जा कोई बात नहीं, जा जा उतर उतर जा उतर जा, देख ले, चलो क्या बात है, बढ़िया टाइम हो गया है हमारा लड़का, हाथ पे बैठना सीख गया है, और मतलब सबसे मिक्सअप हो जाता है बहुत जल्दी ना, बट थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम तब होती है जब कोई बाहर का आके इसको टच करता है ना, तो गुस्सा करता है, बाकी जिस जिसको जानता है उसके पास चला जाता है, आराम से बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब और मेरे को लगता है 3-4-5 महीने में थोड़ा भाई साहब बोलना भी चालू कर देंगे, ठीक है,
हाँ जी, और इनके ना एक रिंग रिंग बनता है यहाँ पे नेक पे, वो भी हल्का हल्का इसका स्टार्ट हो गया बनना, तो वो भी अब मेरे को लगता है 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कान खा रहा है ओ भाई, ओ कान नहीं काटना। ये रहे इसके सीड्स और ये रहे भाई साहब की दाल। अब थोड़ा थोड़ा सा ये अपने आप से भी खाना शुरू कर दिया है इसने, अभी हल्का 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 ना थोड़ा थोड़ा करके खाता है, बट अच्छी बात है अपने आप से भी खा रहा है। और बट अभी हैंड फीड पे इसको रहना पड़ता है, अभी मतलब मानता है अभी कि हाथ से ही खिलाओ तो इसका पेट भर जाता है, बट बीच बीच में ना जैसे इसका ये रखा रहता है यहाँ पे, तो ये भाई साहब आके अपने आप भी खा लेते हैं, है ना। हाँ जी ठीक है, ओके ओके। सो गाइस, तल्लू आ गया अपनी नई नई गाड़ी लेके, आज ही डिलीवरी लेके आया लड़का भाई हमारा। अच्छा हाँ जी सर, मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तल्लू भाई की अपनी पर्सनल इनकम से सेकंड कार आ चुकी है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, खूब तरक्की करो, ऐसी 5 गाड़ी और लेके आओ। तल्लू ने लिए है ये अपना नई वाली जो i20 है, क्यूट लग रही है। हाँ ड्राइव तो स्मूथ होगी ना इसकी, बिल्कुल चलो बढ़िया। अच्छा ब्लैक इंटीरियर है पूरे, सही है। मेरे ख्याल ऑप्शनल में आती है लेदर सीट ना इसमें, या एनलाइन में है ना? एनलाइन में है शायद। एक फुल फुल खुश लग रहा है भाई लड़का आज। यहाँ पे ना ये देखना, ये देख, अगर यहाँ से देख ब्लू अंदर से देखेगा पूरी ब्लू। अच्छा ये जो लगी हुई है ना ये, चलो बढ़िया। अब 5 मिनट रुक, 5 मिनट चलते हैं, कस्टमर ने बढ़िया ऊपर फिर चलते हैं। तो ये भाई साहब कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, तो इनकी अगली मील में है थोड़ी सी गाजर टमाटर और थोड़ी सी इसकी दाल, इसने थोड़ा थोड़ा सा खाया है। और भाई साहब ये देखो प्रसाद दे के निकल गए अपना घूमने। इधर आ इधर आ, यहाँ पे आ इधर आओ। आओ क्या हुआ, सो हेलो गाइस, अब तल्लू अपनी गाड़ी लेके आ गया, तो हमारे डिसाइड किया था कि गेड़ी लगा के आएंगे इसकी न्यू कार में। सो चिक्की वाइज आल्सो हियर, क्या हाल है मेरी जान? ओफो ये बल्ब कहाँ लगा रखे हैं 25-25 वोल्ट के, कातिल सिस्टम। ओफो आ लौंडा खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है, खुशी दिख रही है भाई, ये तभी तो ले जा रहा है ग्रीन टी पिलाने, ऐसे थोड़े ही शुगर फ्री पिएगा तल्लू को, पिया पे शुगर लेता है भाई। हनी ब्रो, अच्छा अच्छा विद हनी, चलो सही है, बढ़िया है, खुश है ना तू? रिकमेंडेड है, फिर ठीक है। घर वालों ने यही बोला, खुश है ना तू? हाँ। जा ले जा, हाँ, खेलो। अभी 2 साल के बाद बोलेगा मुझे ईवी भी चाहिए। खुश है ना तू? ले जा।